हेलो दोस्तों, आप हमारे लव दाचक और भी फ्रेंड ब्लॉग लेकर वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है अभी सिंगल वाटर में क्या हालात चल रहे हैं, इतनी सारी फोर्स थी मेरे पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, बहुत सारे कमेंट और डीएम आए कि अरमान भाई जाओ, रास्ता खुल रहा है। मतलब ये मुझे पता नहीं अभी खुला है नहीं खुला, वहाँ मुझे न्यूज में सुनाई दे रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ फिर से आपके लिए कवरेज करने सिंगू बॉर्डर पे, और देखते हैं वहाँ क्या है, रास्ता बंद है खुला है, फिर कौन सा रास्ता है, सब आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। जल्दी से चाय पी लूँ, एक रस ले लूँ। और गाइस, राइट साइड में हम आ चुके हैं पहाड़ों पे, ठीक है। और वैसे गाइस नहीं है कूड़े का पहाड़ है, बट यार फीलिंग पूरी आ जाती है पहाड़ों पे जा रहे, ठीक है। और देखो यार, ट्रिप भी मेरा, मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ, वो आपको दिखेगा अपकमिंग व्लॉग्स में। तो हम पिछली बार अभी जब गए थे आपके लिए कवरेज करने, तो बिल्कुल यहाँ पर रश ही नहीं था, ऐसे भाग रही थी गाड़ी गाइस। और अब अभी आगे चल के देखते हैं रास्ते खुले या नहीं खुले। और गाइस, इधर अपना पुलिस वालों की जो कैनोपी है वो भी अभी लगी हुई है, और पिछली बार जो मैं गया था इतनी नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत सारी हो गई हैं और बड़ी बड़ी कैनोपी हैं। एक चीज़ गाइस मुझे और दिख गई, मैं आपको भी बता दूं, लाउड स्पीकर भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं इस बार। पहले तो बस दो ही दिखे थे मुझे, बट इस बार तो एक दो पता नहीं 7-8 लाउड स्पीकर हैं, और बोरियां भी पड़ी हुई हैं और जेसीबी भी पड़ी हुई हैं लेफ्ट साइड में। तो मतलब मटेरियल काफ़ी सारा इस बार उन्होंने रखा हुआ है, कंटेनर्स, बैरिकेड्स। सिंगो बॉर्डर गए थे यहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर पुलिस की कैनोपियाँ लगी हुई हैं। और अब लोग कुछ यहाँ से अपना सर्विस लाइन से भी लेफ्ट होके जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा गए थे यहाँ पर जाम है सिंगो बॉर्डर से 1 किलोमीटर पहले, और कुछ बैरिकेड्स भी लगे हुए हैं। तो लेट्स सी अब कौन सा रास्ता है। तो फिर गए डिसाइड किया कि हम भी यू टर्न ले लेते, क्योंकि आगे जाम लग रहा है, यहाँ से भी हल्का सा जाम है बट उससे तो कम ही है। ऐसे जाएंगे फिर सर्विस लेन में थ्रू ही है। यहाँ से गए तो हम दोबारा यू टर्न लेके आ रहे हैं सर्विस लेन में, और पीछे अब यहाँ जाम लगना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ से इतने बड़े बड़े ट्रक भी मुड़े हैं, तो यार मुश्किल हो ही जाती है। जितना भी ऊपर आपको वैसे जाम दिख रहा है, इससे हम सारा बच के आगे नीचे से, और ऊपर वाले होंगे ना वो अपना वो मतलब सोच रहे होंगे काश हम नीचे से आ जाते, तो ठीक है हमने पहले अच्छा डिसीजन ले लिया तो नीचे से ही आ गए। हाईवे गए थे, इन्होंने बंद किया हुआ है अभी। अभी मैंने किसी से पूछा कि वो कह रहे थे कि अपना ऊपर अभी जो इन्होंने बैरिकेड लगाए थे उसको निकालने में 15 दिन अभी लगेंगे। हम नीचे से ही हमें जाना पड़ेगा टूवर्ड्स पंजाब, और ऊपर वाला अभी 15 दिन लगेंगे हाईवे खुलने में। कैनोपी के अंदर गए, कुछ ऐसे होता है, कोई एक बेंच पड़ा हुआ है, कुछ चेयर्स पड़ी होती हैं पुलिस वालों के रेस्ट करने के लिए। मैंने कहा आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने पहली बार अंदर से देखी कैसी होती है। यहाँ पर गए पिछली बार भी यहीं पर ही हमने कार खड़ी की थी, नरेला का जो आ जाता है चौंक है, ठीक है, अगर स्वीट्स के यहाँ पर। और अब ये रास्ता पहले यहाँ से डाइवर्जन हो रही थी नरेला से, ठीक है, वहाँ से भी आगे जाओगे बॉर्डर आ जाता है हरियाणा का, अब यहाँ से सीधा जाने दे रहे हैं, रास्ता नीचे से खुल गया। अभी हम उधर से जाके देखते हैं कितनी फोर्स है एंड क्या है। ये गाइस वही जगह जहाँ पर पिछली बार हमने कवरेज की थी, और यहीं पर ही सारे बैरिकेड लगे हुए थे। इस बार यहाँ पर एक भी बैरिकेड नहीं, यहाँ वाटर कैनन वाली मशीन यहाँ पर अभी भी लगी हुई है, और यहीं पर ही एक वन वे जो ये छोटा सा रास्ता था ये अभी भी यहीं पर ही, और नीचे से जो पंजाब से लोग आ रहे हैं वो यहीं नीचे से ही आएंगे अपना, ऊपर से बंद हुआ हुआ रास्ता। और आगे चल के देखते हैं क्या सीन है। कोई फायदा नहीं, ये जाम लग रहा है भाई, तो आम जनता को दिक्कत हो रही है, आम जनता को दिक्कत हो रही है। सही बात है। आप कहाँ रहते हो? अच्छा अच्छा, हरियाणा। यही पर ही गाइस मैंने कवरेज की थी, और अच्छी से आपको समझ आ रहा होगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर ये वही अपना जो कंटेनर है बड़े बड़े अभी भी मतलब साइड में रखे हुए हैं, इन केस कुछ होता है तो ये उसको बीच सड़क पर ले आएंगे। और बैरिकेड की जो लेयर है, आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ये रही गाइस वो बैरिकेड की लेयरिंग, और काम चल रहा है अभी भी, जो कि रोड्स को ठीक करने का काम अभी भी जारी है, ऊपर भी हाई फ्लाईओवर पे भी और नीचे भी हो ही रहा है। ये सारा गाइस जो अपना ट्रैफिक आपको दिख रहा है, ये आ रहा है पंजाब और हरियाणा से, वहाँ एक बैरिकेड लगा हुआ है जिससे यहाँ पर बहुत धीरे धीरे मूव हो रहा है ट्रैफिक। जेसीबी लगी हुई है अपना काम कर रही है धीरे धीरे हटाने का, और पुलिस फोर्स भी लगी हुई है, अभी आपको दिखाएंगे। काफ़ी गाइस बैरिकेडिंग की हुई है, और पंजाब जाने वाला ट्रैफिक उधर से जा रहा है, जहाँ से अभी मैंने आपको दिखाया था सर्विस रोड से, यहीं से ये रास्ता है अपना आम लोगों के लिए। वो खड़ी गाइस फोर्स, उधर खड़ी हुई है सारी फोर्स। ऐसी जगह गाइस मैं अभी बीच में खड़ा हुआ हूँ जिसमें आपको दोनों तरफ का ट्रैफिक दिख रहा होगा, मेरे राइट साइड का भी, मेरे लेफ्ट साइड का भी। तो उसमें आपको देख सकते हो धीरे धीरे रोड जो अपना खुलना शुरू हो रहा है,
और बैरिकेड लगे हुए जिससे थोड़ा स्लो मूव हो रहा है। उसके बाद अगर आपको पंजाब जाना है तो बिल्कुल आगे थ्रू मिलेगा आपको रास्ता अम्बाला तक, उसके बाद वहाँ भी मोर्चा चल रहा है तो थोड़ा डाइवर्जन होगी। और अभी पहले अभी यहाँ पर भी आने के लिए आपको गाँव से घूम के आना पड़ता था, बट अगर आप पंजाब से आ रहे हो तो डायरेक्ट है, कोई अब डाइवर्जन वर्जन कुछ नहीं है। बस यहाँ बैरिकेड मिलेंगे, वो तो 5 मिनट का जाम है, आप क्लियर कर लोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे आपको दिखाना था, ऐसी जगह खड़ा हूँ जिससे आपको दोनों साइड का ट्रैफिक दिख जाए। सो रहे हैं, ठीक है, नीचे अपना दरिया डाल के सीमेंट वाले गए जो यहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं इसको भी इन्होंने साइड कर दी, और मैंने पूछा है वो कह रहे हैं इनको भी धीरे धीरे हटाएंगे। मैंने कहा कैसे हटाओगे, उन्होंने कहा जो इसमें ये आपको होल सा दिख रहा है ना, इससे जो वो लोहे वाली जो रस्सी खींचने वाली होती है ना चेन, उससे बांधेंगे और जेसीबी से खींच के इनको हटा देंगे। और ये जो तार है ये भी हटाएंगे, और वो वाले अभी कह रहे हैं ये वाले लगे रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर फोर्स पुलिस वाले भी हैं काफ़ी सारे, और ये जो है ये वाले अभी कह रहे हैं ये नहीं हटाएंगे, ये लगे रहेंगे, ये वाले हटा देंगे हम, ये तार भी कह रहे हैं लगी रहेगी अभी, ठीक है। अब गाइस मैंने आपको सारे रास्ते दिखा दिए, अपना पंजाब जाने वाला और पंजाब से आने वाला बिल्कुल थ्रू है। डीएम में मुझे आ रहे थे कि हरमन भाई मेरा प्लान बन रहा था अमृतसर जाने का, चंडीगढ़ जाने का, तो मैंने कहा गया अपने प्लान मत स्पॉइल करो, मैं आपके लिए पूरी कवरेज कर दूंगा। तो अब अपना खुल के जाओ गाइस, अपना एंजॉय करो, और मैं भी अपना एंजॉय कर रहा हूँ, प्लान मेरा भी बनने वाला है जल्दी से। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, आपके लिए यार मेहनत भी लगती है इतना, मतलब कवरेज करने में आए हैं, तो बस एक लाइक, मुझे बस एक लाइक चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए, और सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको गाइस अनदर ऐसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब के लिए गुड बाय, थैंक्स वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय। मजा आया। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing.